जैसे जैसे अक्टूबर का महीना अपने अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाहौल घाटी में सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। केलांग उदयपुर समेत घाटी के निचले इलाकों में दिन के समय में धूप में हल्की तपिश महसूस की जा रही है। वहीं दारचा, योचे, छीकारारी, कोकसर, तैलिंग, सीसु आदि ऊंचे इलाकों में भी दिन के समय में भी ठंडी हवा चलने से तापमान में काफी ज्यादा कमी महसूस की जा रही है। तापमान में आई गिरावट की इस वजह से इलाके में जो चंद्रा नदी बहती है उसके जल स्तर में काफी कमी आई है। आप देख सकते हैं कि नदी का पानी काफी सूख गया है और नदी में पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। हालांकि नदी का जल स्तर गर्मी के मौसम में काफी बड़ा हुआ था, पर पिछले दिनों घाटी में हुई बर्फबारी की वजह से पर्यावरण में काफी गिरावट आ गई है, जिससे नदी का पानी सूख गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।